इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। मर्यादा है कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। देखिए, हमने आपको सिर्फ ये कहने के लिए फोन किया था कि हमें हमारे जिले में ऐसे अफसर की जरूरत नहीं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं देखता हूँ। जय हिंद। और उसके साथ उसके तीन दोस्त भी थे, और उन चारों ने मिलकर। इंस्पेक्टर एरेस्टिंग। ये सब कुछ झूठ है और मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर आप हॉस्पिटल क्यों गई थी? हाँ बताइए मैडम, हॉस्पिटल क्यों ले जाया गया था आपको? मुझे खुद कलेक्टर साहिबा ने मजबूर किया था। वो चाहती थी कि मैं ये बयान दूं कि संतोष ने अपने तीन दोस्तों के साथ मिलकर मेरी इज्जत रखी, लेकिन इतना बड़ा झूठ मैं नहीं बोल सकती। मैम प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैम प्लीज मेरी मदद कीजिए। अगर आपने भी मेरी मदद नहीं की तो मैं मर जाऊंगी। वो कई दिनों से मेरे पीछे पड़ा था और कई बार वो मुझे फोन भी करता था। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो जुर्म कर ही नहीं सकता, समझे आप? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया पापा, ये सब झूठ है। ये सब मुझे बताने की साजिश कर रहे पापा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया पापा। ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, सब ठीक। क्या किया तुमने? मैंने तुम्हें समझाया था कि जो जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी गई है उसे निभाने के लिए हर कदम पर तुम्हें सोच समझ के चलना होगा, समझाया था ना? पापा ये लड़की झूठ बोल रही है। मैंने देखी थी इसकी हालत, मुझे लगता है कि कोई इसे मजबूर कर रहा है। नहीं, ये मजबूर है। अरे इसकी शक्ल देखो, तुम्हें क्या लगता है ये मजबूरी में बात कर रही है? जी नहीं, ये मजबूरी में बात नहीं कर रही। पापा आप मेरा यकीन कीजिए, इसने मुझे फोन किया था, इसने खुद बताया कि इसकी इज्जत। भाई जी मुझे तो लगता है कि ये बहुत बड़ी साजिश है। हाँ मैं जानता हूँ कि यह साजिश है, लेकिन किसी की रची हुई साजिश में फंस जाना ये बेवकूफी नहीं तो और क्या है? मैं तो सिर्फ इसकी मदद करना चाहती थी। अरे किसी की मदद करने के लिए जज्बात की नहीं समझदारी की जरूरत होती है। देख लिया इसका असर क्या हुआ? इन लोगों ने तुम्हारे जज्बातों का फायदा उठाकर तुम्हें बदनाम करने की साजिश रची और तुम फंस गई उसके अंदर। आप ठीक कह रहे हो पापा। रितिका तुम्हें संतोष पाटिल को गिरफ्तार करने से पहले सबूत देखने चाहिए थे। उस लड़की का मेडिकल टेस्ट करवाना चाहिए था, मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट देखनी चाहिए थी, और तुमने तो बस जल्दबाजी में
पापा मेडिकल रिपोर्ट आने में न जाने कितनी देर लग जाती, और इस लड़की ने मुझे बताया कि संतोष पाटिल ये शहर छोड़कर जा रहा है। वो भागने की कोशिश कर रहा था, मेरे पास वक्त नहीं था, इसलिए मैंने इसे गिरफ्तार करवा दिया। रितिका, तुम्हारे लिए जाल बुना गया था और तुम बहुत आसानी से उस जाल में फंस गई। लेकिन इसमें बदनामी कितनी होगी ये तो सोचिए। अब तो लोग यही कहेंगे ना कि रितिका ने ये सब जानबूझ कर किया है। अब लोगों को क्या पता कि चाल किसने चली और जाल किसने बुनी। नहीं चाची, बहुत जल्द ये सच्चाई सबके सामने आएगी। मैं जानती हूं इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। देखो रितिका, तुमने जल्दबाजी दिखाकर बहुत सारे लोगों को अपनी काबिलियत पर शक करने का और उंगली उठाने का मौका दे दिया है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी बड़ी गलती करोगे। पापा, मैं मानती हूं कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं कुछ ना कुछ करूंगी इसे सुधारने के लिए। देख। किसी की चाल है, प्रतिका को फंसा रहे हैं ये लोग, उसे बदनाम करने की साजिश है। हो सकता है कि ये साजिश हो, लेकिन हैरानी की बात है कि रितिका इतनी आसानी से इस साजिश में फंस कैसे गई। पूरा मामला तुम्हारे सामने है। शहर में जुलूस निकाले जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन के बाहर नारेबाजी हो रही है। यार, ये सबकी प्लानिंग मेरे ख्याल में बहुत पहले से की गई है, वरना हाउ इज इट पॉसिबल। एक ही रात में हादसा होता है, रातों रात किसी की गिरफ्तारी होती है और सुबह लोग रोड पे आ जाते हैं। नहीं डैड, ये मुमकिन नहीं है। किसी भी चीज को इशू बनने के लिए, मुद्दा बनने के लिए वक्त लगता है। नहीं, मैं मानता हूँ बेटा, मानता हूँ कि ये सब पहले से तय होगा। रितिका ने अपनी गलती से उन्हें मौका दिया है। एक लड़की रितिका से बात करती है और रितिका जाके सुबोध पाटिल जैसे बड़े आदमी के बेटे को गिरफ्तार करवा देती है। भाई, इतनी जल्दी क्या थी? रितिका से बात करने की कोशिश की मैंने पापा, उसके घर में भी इसी बात को लेके हलचल मची हुई है। उसके पास तो बात करने का भी टाइम नहीं है, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूं पापा, ये एक जाल था जो रितिका को फंसाने के लिए बिछाया गया था। यही तो सवाल है कि रितिका इस जाल में फंस कैसे गई। वो एक एडीएम है, कलेक्टर है, एक कलेक्टर से इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती। उसे पता है कि दुश्मन उसके पीछे है, तो उसे सावधान रहना चाहिए था ना। यस डैड, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक कलेक्टर का काम नहीं होता ये कि वो किसी लड़की का बयान लेने जाए या किसी को जाके गिरफ्तार करवाए। ये सब कलेक्टर का काम नहीं है। कलेक्टर का काम है ऑर्डर देना। रितिका बहुत जज्बाती है डैड, उसने जज्बात में आकर ये भूल की है। उसके इसी जज्बात का तो फायदा उठाया है दुश्मनों ने बेटा। समझाना उसे समझाना कि कलेक्टर की कुर्सी पर बैठकर दिल से नहीं, दिमाग से काम लेना चाहिए। भूल जाए सारे जज्बातों को, वरना बार बार वो गलती करेगी और बार बार लोग उसकी गलती का फायदा उठाएंगे, उसके जज्बातों का फायदा उठाएंगे। समझाना उसे।
ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है शालू? ऐसा ही हुआ है बुआ जी। रितिका भाभी ने सुबोध के बेटे को अरेस्ट करवा दिया है, लेकिन अब वो लड़की ये कह रही है कि उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बुआ जी, इससे तो एक बात साफ है ना कि इसमें रितिका भाभी जरूर फंसेंगी। ये जरूर किसी की चाल है। कोई है जो रितिका को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, जो उसके रास्ते में रुकावट पैदा करना चाहता है। हाँ बुआ जी, सच कहूं बुआ जी तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। एक बात बता शैलो, इसमें रितिका पर क्या कार्रवाई किया जा सकता है? इसके लिए डरने की कोई बात नहीं है बुआ जी। रितिका भाभी एडिशनल कलेक्टर हैं, इतनी आसानी से उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। हाँ, इस मामले में उनकी थोड़ी सी बदनामी हो सकती है, हो सकता है ऊपर से उनके खिलाफ थोड़ी सी छानबीन की जा सकती है। बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना? नहीं बुआ जी, और वैसे भी अब रितिका भाभी खामोश नहीं बैठेंगी। इस मामले में जो कोई भी जिम्मेदार है, अब उसका चेहरा पूरी दुनिया के सामने लाकर रहेंगी वो। उसका चेहरा तो सामने आना ही चाहिए, उसकी सच्चाई भी सबके सामने आनी ही चाहिए। आ गई ना। उसकी सच्चाई भी सबके सामने आनी ही चाहिए। आ गई ना। सच्चाई साथ लेकर आया हूं। क्या बात कर रहे हो? तुम इस मामले की सच्चाई जानते हो? सच्चाई ये दी कि रितिका ने कलेक्टर बनने का रोब और धाक जमाने के लिए कदम उठाया। अरे उस बेचारे सुबोध के बेटे को हथकड़ी पहना दी, और ये सब कुछ उसने क्यों किया? सिर्फ और सिर्फ खुद को मशहूर करने के लिए, और कुछ नहीं बस। लेकिन देखना, एक ना एक दिन उसे इस बात का भी एहसास होगा कि उसका ये बेवकूफी भरा कदम उसे कहां ले जाएगा। नहीं सुनता, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मान सकती। देखो, अगर रितिका ने खुद को मशहूर करने के लिए, सुर्खियों में लाने के लिए ये काम किया होता तो वो लड़की इतनी जल्दी नहीं पलट जाती। क्योंकि एक बात मैं अच्छी तरह से जानती हूं, जो लोग झूठ की बुनियाद रखते हैं वो इतनी मजबूती के साथ बुनियाद रखते हैं कि कोई उस बुनियाद को हिला नहीं पाता। बुआ जी ठीक कह रही हैं पापा। अगर रितिका भाभी ने ऐसा किया होता तो वो आज इस मामले में इस तरह से उलझी हुई नहीं होती। तुम्हें याद है ना सुंदर, मेरे बेटे राकेश को किस तरह से फंसाया गया था? उस झूठ की बुनियाद इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसको कोई भी सच हिला नहीं पाया था। कैसे कैसे सबूत पैदा किए गए थे? जिस इंसान ने भी मेरे बेटे को फंसाया था, उसने हर तरह के सबूत गढ़े थे उसके लिए। ओहो दीदी, आप कौन सी बात को किस बात से मिला रही हैं? देखिए, कई मामले ऐसे होते हैं जिनकी गहराई तक नहीं पहुंचा जाता, और फिर रितिका जैसे अफसरों को तो सुबोध जैसे लोग अक्सर मिलते ही रहते, क्योंकि दोनों एक दूसरे को सबक सिखाने के फिराक में लगे रहते हैं, और जिस दिन ये दोनों मिलते हैं इस तरह की घटनाएं तो घटती रहती हैं। नहीं सुंदर, मैं इन सब बातों को नहीं मानती, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूं कि मेरी बहू ने यहां तक पहुंचने के लिए, इस पोजीशन को हासिल करने के लिए जितनी मेहनत की है, वो इस तरह का काम कभी नहीं करेगी।
तरह का काम वो कभी नहीं करेगी कि हम में से किसी को भी शर्मिंदा होना पड़े, और वो इस मामले की तह तक जरूर जाएगी, सच्चाई का पता लगा कर रहेगी। देख ले, बाहर मीडिया वालों की भीड़ लगी, वो आपसे बात करना चाहते हैं। देवेंद्र, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, और अगर मुझे किसी से कोई बात करनी होगी तो मैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगी और उनके साथ बात करूंगी। हेलो सर। यस सर। जी सर। एक मिनट सर, मैडम आपके लिए फोन है दिल्ली से। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। जी सर, लेकिन सर उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे। सर मुझे खबर मिली थी कि संतोष पाटिल यह शहर छोड़कर जाने वाला है, और वक्त नहीं था सर, इसलिए मैंने उसे अरेस्ट करवाने का ऑर्डर दिया था। जी सर। सर मैं भी चाहती हूँ कि इस मामले की इंक्वायरी हो। मीडिया वाले तुमसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। मुझे पता है मानस, वो क्या सवाल करेंगे, और जो मेरा जवाब होगा ना उससे मामला और ज्यादा उलझ जाएगा। मेरा यकीन करो मानस, उस वक्त जो हालात थे ना, मैंने वही किया जो जो मुझे करना चाहिए था। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे हालात पैदा ही क्यों हुए? उस लड़की मयूर ने तुमसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? तुम अभी तक नहीं समझे मानस, उस लड़की मयूर को मेरे खिलाफ एक मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया गया है। उसने पहले कहा कि उसकी इज्जत लूटी गई है, और उसके बाद अपने ही बयान से वो साफ साफ मुकर गई। वो सोच समझ कर चाल चल रहा है। लेकिन मीडिया को तुम इस बात का यकीन कैसे दिलाओगी? इस मामले की इंक्वायरी होगी ना मानस, हो ना? इसके पीछे और किसी का नहीं, गुलशन शाह का ही हाथ है। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे, इसका जवाब जरूर दूंगी उसे। ये तो मुझे भी पता है कि जरूर इसके पीछे गुलशन शाह का ही हाथ है, लेकिन रितिका डोंट फॉरगेट, उसकी पहुंच ऊपर तक है। वो इस मामले की इंक्वायरी कभी नहीं होने देगा। नहीं मानस, इस मामले की इंक्वायरी होगी और जरूर होगी। गुलशन शाह ने ये कदम उठाकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। इन लोगों को और कोई काम धंधा है ही नहीं। बेटा क्या हुआ है ऑफिस में आज? होना क्या है माँ, इन अखबार वालों को मेरे खिलाफ छापने का मुद्दा मिल गया है। देखो हर अखबार में मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ छपा है। कोई कहता है मैं लापरवाह हूँ, तो कोई कहता है ये सब कुछ जो भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है, मैंने करवाया है, हद हो गई। परेशान मत हो बेटा, सच्चाई की जिस कठोर राह पर तुमने चलने का प्रण लिया है ना, उस रास्ते पर लोग अंगारे बिछाएंगे। रोज
कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी करेंगे, लेकिन तुम्हें अपने कदम नहीं रोकना है, बिल्कुल नहीं घबराना, बस आगे बढ़ना है। आप सही कहती हैं माँ, इन छोटी मोटी वजह से मेरे कदम नहीं लड़खड़ाएंगे, बिल्कुल नहीं। आज जिन लोगों ने मेरे रास्ते में अंगारे बिछाने की कोशिश की है ना माँ, कल इन अंगारों में वो खुद जल जाएंगे। जिन्होंने भी मेरे रास्ते में मुश्किलें खड़ी की है ना, वो नहीं जानते कि वो खुद अपने लिए गड्ढे खोद रहे हैं। मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को। तुम्हें पता है ना बेटा कि तुम्हें इस पोस्ट तक पहुंचने से रोकने के लिए कितनी कोशिशें की हैं लोगों ने, और आज जब तुमने अपनी मंजिल हासिल कर ली है, तुम्हारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। देखो तुम्हें बहुत ही संभल कर चलना है, और तुम जिस पोस्ट पर हो ना, वहां लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। आप ठीक कहती हैं माँ, जज्बात में आकर मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, जिसका फायदा गुलशन शाह ने उठाया। माँ ये पूरा खेल उसी ने रचा है। तुम्हारे पापा भी यही कहते थे, उन्हें भी बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि सुबोध पाटिल का बेटा ऐसा कुछ भी कर सकता है। हाँ माँ, सुबोध पाटिल के बेटे को मोहरा इसलिए बनाया गया ताकि इस बात को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जाए, और इस मुद्दे के जरिए वो लोग मेरी ट्रांसफर की नींव रख सके। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, हरगिज नहीं होने दूंगी माँ। गुलशन शाह को मैं जवाब दूंगी, इतनी जल्दी मैं हार नहीं मानूंगी, कभी नहीं मानूंगी।